हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे थे, तो अगला न्यूट्रिएंट्स फैट है। फैट मतलब वसा होता है, और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और फैट किससे प्राप्त होता है इसको हम जानते हैं। वेजिटेबल मतलब सब्जी में कौन सी सब्जी खाने पे हमको फैट प्राप्त होगी उसको जानते हैं। तो पॉइंटेड गार्ड मतलब परवल होता है, जो मार्केट में परवल बिकता है उसको खाने से हमें फैट प्राप्त होगा। और रेडिश मतलब मूली भी खाने से हमको फैट प्राप्त होगा। और नेक्स्ट है स्नैक गार्ड। चिचिंडा जो होता है स्नैक गार्ड बोलते हैं, सांप की तरह दिखता है इसलिए इसे स्नैक गार्ड बोलते हैं चिचिंडा, तो उससे भी हमको फैट की प्राप्ति होती है। तो ये सब फैट के सोर्स हैं। तो फ्रूट में देखते हैं कौन सा फल खाएं कि हमें वसा प्राप्त हो, फैट प्राप्त हो। तो वालनट मीन्स अखरोट जो होता है उससे फैट सबसे ज़्यादा मिलता है, जो कि 64.5% यानी 64.5% उसमें फैट पाया जाता है अखरोट में। और दूसरा फ्रूट है आलमंड में बादाम से हमें 58.9% फैट प्राप्त होता है। और कैसो नट मतलब काजू, जो वाइट कलर का काजू होता है, तो उससे हमें 46.9% फैट की प्राप्ति होती है। और जो हमारे यहाँ बटर मतलब घी जो होता है, गाय भैंस के घी होते हैं, तो उससे हम लोगों को 99% फैट मिलता है। यानी जो घी देखते हैं वो कम्प्लीटली यानी पूरी तरह वह वसा ही होता है, फैट ही होता है। तो 1% उसमें कुछ अलग मटेरियल है, नहीं तो सभी पूरी तरह वो घी फैट होता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।